हाय गाइस, वेलकम टू एचयूआर जगदलपुर। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इतना अच्छा अप्रिशिएशन करने के लिए। तो आज हम आपके लेके आए हैं जस्ट न्यू लॉन्चर प्रिंटर है ये प्रिंटर जो है अभी जस्ट लॉन्च हुआ है और इसमें बहुत इतने सारी खासियत है, इतने सारे फीचर्स हैं जो मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा। आप 1005 अगर प्रिंटर जो इतना पॉपुलर हुआ था कि उसको अभी भी कस्टमर लेने आते हैं, तो हालांकि तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन उसी के जैसे ही एक जबरदस्त प्रिंटर लॉन्च हुआ है वो आप सामने देख सकते हो। ये प्रिंटर का मॉडल नंबर है HP लेजर जेट प्रो MFP 4104 DW। जी हाँ, ये प्रिंटर जो है अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रिंटर में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ये ऑटो डुप्लेक्सर है, आप जो है टू साइड प्रिंटिंग जो है ऑटोमेटिक कर लेगा, ये ID कॉपी है, वाईफाई है और स्कैनिंग है ADF के साथ। मतलब आपको इस प्रिंटर में A4 के अलावा आपको लीगल पेज भी आप आसानी से डुप्लेक्स टू साइड प्रिंटिंग कर सकते हैं, फोटो भी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीचर्स है, सबसे खास बात यह है कि ये लेजर टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एक और खासियत है कि आप देखो प्रिंटर कितना अच्छा है। जिनका फोटोकॉपी का दुकान है, मतलब फोटोकॉपी का शॉप है, जिनका चॉइस सेंटर है, जिनका आधार इनेबल जो जिनका काम करते हैं, कियोस्क सेंटर है या फिर नॉर्मल स्टेशनरी है, उसमें अगर आप प्लेस करना चाहते हैं, आपको फोटोकॉपियर का काम करना है, ID कॉपी करना है, कुछ बुक प्रिंट करना है, डुप्लेक्स का काम करना है, तो डेफिनेटली आप ये प्रिंटर परचेस कर सकते हो। ये आपके बिजनेस को जो है एक नया आयाम देगा। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आगे बताते हैं कि क्या फीचर्स है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप शॉप के लिए एक बिजनेस प्रिंटर की तलाश में हैं जो कम प्राइस में हो और फीचर्स ज़्यादा हो, तो आप डेफिनेटली ये प्रिंटर परचेस कर सकते हैं। इसका मॉडल मैं फिर से बताना चाहूँगा, लेजर जेट प्रो MFP 4104 DW। आप देखो यहाँ से प्रिंटर के सबसे बारे में जो फीचर्स है मैं बताऊँगा, लेकिन पहले आप इसका देखो बिल्ड क्वालिटी, देखो इसका लुक, देखो आप कितना शानदार लग रहा है। व्हाइट कलर का जो प्रिंटर है, ऊपर ADF लगा है, यहाँ से यहाँ पे ADF है। आप इसमें से लीगल पेज A4 तो है, ये बाई डिफॉल्ट A4 है, लेकिन इसके अलावा आप लीगल पेज जो आप यहाँ पे रख के आप स्कैन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ID कॉपी कर सकते हैं, और लीगल पेज को भी जो आप टू साइडेड प्रिंटिंग आप इसमें से कर सकते हैं। ये देखो आप इसका टच स्क्रीन है, मैं ऑन करके दिखाऊंगा। तो ये टच स्क्रीन है, आप यहाँ से कॉपी प्रिंट स्कैन ये भी आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि ये जो प्रिंटर है ये दो ट्रे के साथ आता है। आप ये तो पहला ट्रे बाई डिफॉल्ट है, सेकेंड ये ट्रे है। इसके अलावा जो है एक और ट्रे आप इसमें एडिशनल और इसमें फिट कर सकते हैं। तो तीन ट्रे के साथ ये प्रिंटर लॉन्च हुआ है। जो अभी तक के A3 प्रिंटर में आता था वो A3 प्रिंटर के सारे जो क्वालिटी है, जो फीचर है, डुप्लेक्सर, डबल ट्रे, ऑटोमेटिक स्कैनिंग, वो सारे फीचर्स जो है IA4 प्रिंटर में आपको मिल जाएगा। तो ये दो ट्रे आप यूज़ कर सकते हैं, सारे ट्रे में जो है एडिशनल फीचर्स दिया गया है और बहुत ही फास्ट प्रिंटर है फ्रेंड्स, 40 PPM की स्पीड है इसका। जी हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये प्रिंटर एक मिनट में 40 पेज प्रिंट करेगा, एज फास्ट है 40 मिनट प्रिंट करेगा। तो बहुत ही बेहतरीन आपके बिजनेस के लिए प्रिंटर है। आप देखो कितना बेहतरीन लुक है इसका। अब आगे बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंट जैसा इसका है 40 PPM का प्रिंट है A4 में, डुप्लेक्सर है इसमें, ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट होता है। आप अगर टू साइड प्रिंट करना चाहते हैं, ID कॉपी हो या जो भी हो डॉक्यूमेंट हो, तो ऑटोमेटिक करेगा। ये डुप्लेक्सर स्कैन भी है इसमें, ऑटोमेटिक स्कैन करेगा टू साइडेड, और स्कैन के फीचर्स है, आप स्कैन करने के बाद आप उसको डायरेक्ट आप प्रिंटर से लैपटॉप में ले सकते हैं आउटपुट, या आप एंड्रॉइड में ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स है, स्कैन टू ईमेल है, स्कैन टू फोल्डर है, स्कैन टू USB है, स्कैन टू क्लाउड है, स्कैन टू PDF है, ये आप कर सकते हैं। ड्यूटी साइकिल की बात करूँ तो 80,000 पेजेस पर मंथ का इसका ड्यूटी साइकिल है, तो वाह कितना शानदार है। 80,000 पेजेस आप इसमें एक महीने में प्रिंट कर सकते हैं। प्रोसेसर स्पीड की बात करूँ तो 1200 MHz की प्रोसेसर स्पीड है इसका। इनबिल्ट मेमोरी इसका है 512 MB का। पहला पेज जो है इसका प्रिंट आउट आएगा वो एज फास्ट एज 6.3 सेकंड में जो है पहला पेज आपको मिल जाएगा। ट्रे कैपेसिटी की बात करूँ तो 900 सीट का इनपुट ट्रे कैपेसिटी है, मतलब आप 350 पेज इनबिल्ट है और ऑप्शनल आप 550 पेज को एडिशनल ट्रे आप इसमें लगा सकते हैं। तो टोटल 900 सीट का जो है वो इनपुट ट्रे कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। मीडिया साइज सपोर्टेड की बात करूँ तो वाया ADF जो है, ADF के थ्रू आप लेटर, लीगल, A4 ये आप पेपर स्कैन एंड प्रिंट कर सकते हैं। गर्म ट्रे की बात करूँ तो लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4, A5, A6, B5 या एनवेलप जो है आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया ट्रे की साइज। पेपर की बात करूँ पेपर हैंडलिंग की, तो ऑल पेपर जो है आप इसमें रख सकते हैं, एनवेलप, लेबल ये सारे कर सकते हैं। टोनर कैटरेज की बात करूँ तो इनबॉक्स जो है इसमें पहले प्री इंस्टॉल जो इनबॉक्स जो कैटरेज आता है, मैं कैटरेज दिखाऊंगा, वो 3050 पेजेस का इनबॉक्स है। तो मतलब स्टार्टिंग में कंपनी आपको 3050 पेजेस का जो है हाई एंड टोनर जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर एडिशनल टोनर परचेस करते हैं तो 9800 पेजेस का वो टोनर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें।
और क्या खास है, तो आप ये प्रिंटर सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये ऑटो डुप्लेक्स प्रिंट है, कॉपी स्कैन है, टू साइडेड सिंगल ADF के साथ दिया गया है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है, इनबिल्ट डुअल बैंड वाईफाई है, मतलब इसमें 4G और 5G दोनों वाईफाई जो है ये सपोर्ट करेगा क्योंकि डुअल बैंड है, और सेल्फ हीलिंग वाईफाई है, मतलब वाईफाई जो है कभी इंटरप्ट होता है तो ये प्रिंटर जो है खुद से उसको हील कर देगा, मतलब रिकनेक्ट कर देगा। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि ये HP वॉल्व सिक्योरिटी के साथ आता है, मतलब ये आपका प्रिंटर जो है, हालांकि ये टर्म जो है गवर्नमेंट ज़्यादा यूज़ होता है, प्रिंटिंग के जो हैक है वो नहीं होता वॉल्व सिक्योरिटी के कारण। अगर आपका प्रिंटर जो है कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट करना है तो HP जो वॉल्व को इस वजह से आपका जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट है वो कोई जो है हैक नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट में टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रहते हैं वो जो है सिक्योर करना रहता है, तो वॉल्व सिक्योरिटी इसमें इनेबल्ड है। इजी एक्सेस है, अगर आप USB से प्रिंट करना चाहें तो USB से प्रिंट कर सकते हो, आप देखो साइड में आप USB से प्रिंट कर सकते हैं, वाया लैपटॉप से भी प्रिंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आप USB से आप डॉक्यूमेंट, PPT, PDF, IPG सारे प्रिंट कर सकते हैं। 250 सीट का इनपुट ट्रे है, आप देखो ये पहला ट्रे है, आपको ऐसे करके इसमें 250 सीट आप इनपुट ट्रे इसमें रख सकते हैं। सेकेंड जो ट्रे है वो मैं दिखाता हूँ कितने सीट का है, सेकेंड जो ट्रे है देखो, सेकेंड ट्रे जो है प्री इंस्टॉल 100 सीट का जो है बाईपास ट्रे है, मतलब इसमें आप 100 सीट जो है आप एज एडिशनल जो है आप इसमें रख सकते हो। तो पहला ट्रे हो गया 250 सीट्स का, सेकेंड ट्रे हो गया 100 सीट का, तो 350 सीट का तो बाय डिफॉल्ट ही आप रख सकते हो, एडिशनल आप चाहो तो 500 ट्रेस का ऑप्शनल एक्स्ट्रा ट्रे आप इसमें लगा सकते हैं। तो कितना खास है, कितना आपके बिजनेस के लिए, आप सोच सकते हैं कि आपके बिजनेस को कितना नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपका अर्निंग जो है कितना अच्छा इसमें होने वाला है ये, और आपके डेली लाइफ जो है कितना ईजी हो जाएगा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। तो ये प्रिंटर लॉन्च किया गया है, इसके प्रिंट स्पीड की बात करूँ तो 40 ppm पर मिनट की स्पीड है, लो रनिंग कॉस्ट है इसका, मतलब पहला जो 152 जो टोनर का जो कॉटरेज है इसका, वो ओरिजिनल कॉटरेज लगाएंगे तो 9800 तक के पेजेस आपको मिल जाएगा। मैस फ्री ऑपरेशन विद अनलिमिटेड सिक्योरिटी है इसमें, लेजर एडवांटेड टेक्नोलॉजी के साथ है, जो जिससे कि आपको, तो चलिए ये तो हो गया फीचर्स की बात, अब हम बात करते हैं इसको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। मैं जो बताया हूँ इतने सारे फीचर्स, ऑटो स्कैन, ऑटो डुप्लेक्स, पेपर हैंडलिंग, ID कॉपी, और कितना फास्ट है वो मैं आपको करके इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जो प्रिंटर है, सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंटर को दिखाता हूँ कि कैसे इसके अंदर, इसके जो इनसाइड जो है वो कैसा है, और कौन सा कैटरेज लगता है, कैटरेज इनबॉक्स कैसे है, उसमें कैटरेज को इसको फिट करना है, कैसे आपको ऑपरेट करना है। तो ये हो गया ADF, इसके ऊपर हम स्कैनर लीड हो गया, ये स्कैनर लीड है, टच स्क्रीन है, इसको हम ऐसे ऊपर उठाएंगे तो ये जो है आपका कैटरेज वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर ये ऐसा बंद रहता है, आपको यहाँ से पेपर आउटपुट ट्रे है ये ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइड में एक बटन दिया गया है, ये वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो ये जो फ्रंट जो पहला ट्रे है वो ओपन हो जाएगा। पहला ट्रे ओपन होगा, उसके बाद जो है ये सामने देखो आपको ये कैटरेज दिख रहा है, लेजर जेट टोनर कैटरेज 152A, तो ये मॉडल नंबर है इसका 152A। इसको सिंपली जो है जब ये टोर ख़त्म हो जाएगा तो आपको जस्ट ऐसे रिमूव करना है, करके बाहर निकाल लेना है, और वापस अगर आप रिफिल कराते हैं या फिर नया कैटरेज परचेस करते हैं तो सिंपली इसको ऐसे इसमें अप्लाई करके लगा देना है, तो सिंपल जो है ये फिट हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, वापस इसको बंद कर देना है। तो ये हो गया फंक्शन क्या क्या है इसके, अब मैं बताता हूँ आपको, तो इसको ऑन करता हूँ। अब ऑन करने के लिए यहाँ पर इसका स्विच दिया गया है, तो इसको हम जैसे ऑन करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से HP का ये टच स्क्रीन है जो लोगो आएगा टच स्क्रीन में, और जो है ऑन होने तक आपको अच्छा लगेगा। उसको ऑन होने देते हैं, उसके बाद हम पेपर इनपुट पेपर लगाते हैं इसमें, तो दो ट्रे हैं, जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक हम पेपर वाला काम कर लेते हैं। तो पहले जो सेकंड ट्रे है उसमें मैं पेपर लगा देता हूँ, कुछ पेपर मैंने यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, कुछ पेपर मैं जो है पहले वाले ट्रे में रख देता हूँ। जैसे मैंने पहले पेपर में ट्रे रखा, यहाँ पर देखो मैसेज आ गया कि ट्रे ट्रू, ट्रे टू, एनी टाइप ये जो भी है मॉडिफाई अपनी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो पहले ट्रे में पेपर रखता हूँ, फर्स्ट ट्रे में पेपर रख देता हूँ, इसको जो है ऐसे कर देते हैं, ये पेपर स्टॉपर है, आप इसको यहाँ पे ऐसे करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, देखो जैसे ही मैंने दोनों ट्रे में पेपर इंसर्ट किया, यहाँ पे ये फंक्शन जो है इनेबल हो गया, कॉपी स्कैन प्रिंट आपको जो करना है आप यहीं से कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ये सेटिंग है, आप यहाँ से सेटिंग इसको कर सकते हैं कि कैसा सेटिंग करना है आपको। ये वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन है, वाईफाई यहीं से आप वाईफाई डायरेक्ट का पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे वाईफाई इसको प्रिंट करना है, मोबाइल से प्रिंट करना है तो आपको जस्ट प्रिंट करेंगे तो आपको
ये वाईफाई पासवर्ड मिल गया लगा। सबको सिंपल है, गलत प्रिंटर में हम जो है वाईफाई इनेबल करने के लिए कुछ सेटिंग करते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो है प्रिंट आपको मिल जाएगा। देखो ये दिखा है वाईफाई का डायरेक्ट पासवर्ड जो है एक क्लिक में आपको वाईफाई का पासवर्ड जो है आपको मिल जाएगा। तो है ना कितनी अच्छी बात है इस प्रिंटर की। तो चलिए बैक जाते हैं, उसके बाद जो सेटिंग आता है वाईफाई का सेटिंग है, यहाँ से ये नेटवर्क से सेटिंग है। देखो प्रिंटर बता रहा था प्रिंटर इज नॉट कनेक्टेड इन वायरलेस नेटवर्क, तो आप यहाँ से अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं करता हूँ। फिर बैक जाते हैं, यहाँ से फिर आपको सप्लाई है, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि कैटरेज का लेवल जो है कितना है इसमें, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन लास्ट और क्या आता है इसमें, ये है ट्रे है, यहाँ पे पेपर सेटअप का दो ट्रे दिखा रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये सही है। लास्ट में आएगा एनवायरनमेंट सेटिंग है, आपको जो है कॉपी आपको वन साइडेड करना है या टू साइडेड करना है, यहाँ पे कॉपी सेटिंग है, आपको टू साइडेड करना है तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे मल्टीपल कॉपी हम मल्टीपल पेजेस करना है, मल्टीपल पेजेस का मल्टीपल कॉपी करना है, तो आप यहाँ से उसका सेटिंग कर सकते हैं कि पहले पेज को दो साइड करना है या नहीं, इवन ऑड एंड इवन कर सकते हैं या सबका दो दो कॉपी कर सकते हैं, डुअल साइड भी आप कर सकते हैं। ये कॉपी सेटअप हो गया। स्लिप मोड, आप जो स्लिप मोड कितना टाइम में आपका प्रिंटर जो है स्लिप मोड पे जाना चाहिए तो सेटिंग आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1 मिनट ही रहता है। लास्ट स्क्रीन ब्राइटनेस है, आप ब्राइटनेस इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप इसको ब्राइटनेस को आप कम कर सकते हैं। ये सेटिंग्स है कुछ प्रिंटर टच स्क्रीन की जो कि सिंपल है, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी होता जाएगा। ठीक है, नाउ हम प्रिंट करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि कॉपी कितना फास्ट आता है। तो मैंने रख दिया यहाँ पे कोई कॉपी, अब जैसे देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, सबसे पहले मैं फोटो भी दिखाऊंगा, देन आपको ADF दिखाऊंगा, देन स्कैनिंग दिखाऊंगा, देन डुप्लेक्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले कॉपी। हम कॉपी फंक्शन देखते हैं कितना फास्ट काम करता है। तो ये कॉपी का बटन आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे पूछेगा डॉक्यूमेंट कॉपी करना है कि ID कॉपी करना है। फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंटर और ऑप्शन आ जाएगा आपको कि टू साइड वन साइडेड प्रिंटिंग करना है या टू साइडेड। फिलहाल मैं इसको वन साइडेड करता हूँ, तो चलिए टू साइडेड कर देता हूँ, जितने भी कॉपी है सबका टू साइडेड निकलेगा, दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट। ठीक है, कितने कॉपीज निकलेंगे, सबका एक एक कॉपी निकलेगा। यहाँ पे ट्रे सेलेक्शन ऑटोमेटिक है, जो भी पहला ट्रे होगा पेपर जिसमें ज़्यादा होगा पहला लेगा, तो ऑटोमेटिक कर देते हैं इसको, और सभी का दो दो कॉपी। फिलहाल मैं एक एक कॉपी करता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो पहले सबका मैं एक एक साइड कर देता हूँ। पहले अभी हम प्रिंट स्पीड चेक कर रहे हैं, कितने कॉपी स्पीड चेक कर रहे हैं, मैंने किया कॉपी करते हैं, कुछ कॉपी मैं कम कर देता हूँ, जैसे कि ये है, इन दोनों का मैं एक एक कॉपी करके दिखाता हूँ कितना फास्ट आता है। मैंने कॉपी किया, तो आप देखो 40 PPM जो स्पीड है वो जस्टिफाई होता है कि नहीं, आप जो है वो आप इसको खुद से देख सकते हो कितना फास्ट आ रहा है। तो देखिए कितना फास्ट आया, मेरे स्टेटमेंट ख़त्म करने के पहले ये जो प्रिंट आपको आ गया। तो यस, आप देख सकते हैं कि 40 PPM की जो स्पीड है वो इसको प्रिंटर ये जस्टिफाई करता है ना। तो ये हो गया प्रिंट, ये हो गया कॉपी वाला फंक्शन। तो आपको दिखाते हैं ADF, या पहले देखते हैं स्कैन कैसे करता है, ऑटोमेटिक टू साइडेड स्कैन करता है तो कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ। तो ये हो गया पहला पेज, सेकेंड पेज, दो पेज का ये है डॉक्यूमेंट है। अब जैसे मुझे इसको दोनों को स्कैन करना है और डायरेक्ट मुझे लैपटॉप पे अपने लेना है, तो चलिए पहले मैं तो A4 स्कैनिंग दिखाता हूँ, टू साइड कैसे स्कैन होता है। आप ये आपको स्कैन का बटन प्रेस करना है, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्कैन टू ईमेल, स्कैन टू नेटवर्क फोल्डर, स्कैन टू शेयर पॉइंट कंप्यूटर या USB। तो फिलहाल मैं लैपटॉप में करके देखता हूँ, मुझे यहाँ पे स्कैन होगा और मेरा आउटपुट है वो लैपटॉप में आ जाएगा। तो मैं कंप्यूटर सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कंप्यूटर बोलेगा, तो मेरा लैपटॉप जो है ये प्रिंटर से कनेक्टेड है, तो लैपटॉप यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे आएगा स्कैन शॉर्टकट, या कौन सा फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है, आपको PDF करना है, JPG करना है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट PDF है। ओरिजिनल टू साइडेड प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ओरिजिनल टू साइडेड स्कैन का ऑप्शन आएगा, इसको आप इनेबल करना है। अगर आपको बोथ साइड प्रिंटिंग, अगर आपको बोथ साइड स्कैनिंग करना है, देन आपको ओरिजिनल टू साइडेड को इनेबल करना पड़ेगा, देन सेंड करूँगा। तो ये स्कैन हो रहा है, हमने दो पेजेस लगाया है, उसमें दोनों में ऑटोमेटिक टू साइड स्कैनिंग का ऑप्शन दिए हैं, दोनों स्कैन करेगा। और इस लैपटॉप में जो है, यहाँ पे लैपटॉप दिखाना, देखिए जैसे आपको दिखाया यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चेक फाइल सेंड टू लैपटॉप। अब देखो लैपटॉप में आ गया, इसको ओपन करके देखते हैं, ये देखिए
ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया जहाँ पे आईडी था, फोर्थ वाला ब्लैंक है क्योंकि फोर्थ वाले में कुछ नहीं है। तो है ना कितना फास्ट एंड सिंपल, कितना बेहतरीन जो है इसका स्कैन आया। अब ये तो हो गया बात A4 की, मैं आपको लीगल पेज स्कैन कर दिखाता हूँ कि लीगल पेज भी आप इसमें स्कैन और फोटोकॉपी कर सकते हैं थ्रू ADF। तो ये हमारा लीगल पेज हो गया, ये तीन कॉपी है लीगल पेज की जिसमें लिखा है प्रिंटर का मॉडल नंबर, HPW, यूट्यूब चैनल, ये सारे फीचर्स दिखे हैं। तो ये लीगल पेज भी आप इसको आसानी से स्कैन और या कॉपी आप कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई इसमें लगाते हैं हम ADF में, और मैं सबका जो है स्कैन करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है फास्ट स्कैन करता है लीगल के थ्रू। तो वापस से हम इसमें आएंगे, स्कैन ऑप्शन में आएंगे, स्कैन में जाना है तो फिर कंप्यूटर, फिर डेस्कटॉप, PDF में सेव होगा, टू साइड स्कैनिंग होगा, ठीक है। मैं कितने पेज लगा रहा हूँ इसमें, 1, 2, 3 पेज लगा रहा हूँ। स्कैनिंग जो है वो 6 पेज का स्कैनिंग करेगा। चलिए देखते हैं ये प्रिंटर से। फ्रेंड्स आप अगर ये प्रिंटर अपने पास रखते हैं तो आपका काम जो है वो कितना आसान हो जाएगा ये आप जो है इमेजिन कर सकते हैं। आपका टाइम कितना बचेगा और अर्निंग भी कितना होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि डेफिनेटली आप इसमें, आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो स्कैन आ गया, सेकेंड स्कैन फाइल ऑटोमेटिक सेव हुआ और यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको स्कैन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितना दिखा रहे हैं, 6। तीन पेजेस था, तीनों का बहुत सारे स्कैन किया तो वो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 6 आ गया। देख लो आप, रिजल्ट आपके सामने है, 1 पेज 2 पेज 3 4 5 6 6 पेजेस का जो है ये लीगल पेज जो है आपका स्कैन कर दिया, वो भी बहुत कम टाइम में। तो ये लीगल स्कैनिंग हो गया, डुप्लेक्स स्कैनिंग हो गया, कितना अच्छा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आईडी कॉपी जो है कितना फास्ट जो है प्रिंट करेगा वो दिखाता हूँ आपको। तो आईडी कॉपी के लिए हम जो है कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड जो है हमको लेना पड़ेगा। आईडी कॉपी जो फीचर्स है फ्रेंड वो उन कस्टमर के लिए सबसे बेहतर साबित होता है जिनका आधार चॉइस सेंटर है या कियोस्क मैकिंग है वाला सर्विस वाला है। जिनको आधार रिलेटेड काम करना है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है तो आप बहुत सारे इसको प्रिंट ले सकते हैं सेम पेज पे। तो उसके लिए हम जो है प्रिंटर वापस जाएंगे, कॉपी फंक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना होगा आपको आईडी कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड के लिए ओरिएंटेशन आपको पूछेगा, तो आपको अगर लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप कर सकते हैं, ओरिएंटेशन करना है ओरिएंटेशन कर सकते हैं, सॉरी पोर्ट्रेट करना है पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप कर सकते हैं। ये होता है ओरिएंटेशन। देन आएगा ट्रे जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने कॉपी करना है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको अगर करता हूँ तो 2 कॉपी करता हूँ, मुझे आईडी कॉपी जो है वो 2 कॉपी चाहिए। तो चलिए मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया इसको, यहाँ से आप 2 कर लेते हैं। देन इसको मैं कॉपी करता हूँ तो बोल देखिए आप बोलेगा ये कि प्लेस द कार्ड नियर द आइकन टू द कॉर्नर स्कैन ग्लास। तो हम ये आईडी है हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा, इसको मैं जो है यहाँ पे रख देता हूँ ग्लास के पास। अब उसके बाद से मैं इसको ओके करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो ये पहला पेज जो है वो स्कैन करेगा, हार्डली 5 से 7 सेकंड में जो है वो स्कैन हो जाता है। उसके बाद प्रिंटर जो है बोलेगा कि आपको सेकंड, देखिए पहला पेज स्कैन हो गया। अभी अब क्या बोल रहा है कि आई फ्लिप द कार्ड कवर एंड प्लेस इट नियर द आइकन। तो हमको कार्ड को वहीं से उसको जहाँ पे रखे थे वहाँ पे फ्लिप करके सेकंड पेज को वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो सेकंड पेज हमने वहीं पे रख दिया, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखेंगे कि कितना फास्ट जो है वो प्रिंट करेगा दोनों साइड को एक ही पेज में। देखो आप कितना फास्ट प्रिंट कर रहा है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, देखो कितना बोल्ड एंड क्रिस्प जो है इसका प्रिंटिंग आया है। आप देखो ये पहला पेज था, ये सेकेंड पेज था, कितना अच्छे से इसको स्कैन करके हमारे सामने ला दिया, वो भी कितना कम टाइम में, ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर से कट गया है तो मैं भी इसका मैंने ज़्यादा जो ग्लास था उसके पास रख दिया था। अब यहाँ से थोड़ा सा उसको हटा के करेंगे तो ये जो ऊपर वाला पेज है वो नहीं कट नहीं होगा। तो है ना कितना अच्छा प्रिंटर ये, कितना फास्ट प्रिंटिंग आता है स्कैनिंग के लिए, ऑटो स्कैनिंग, डुप्लेक्स स्कैनिंग है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग है, ADF के साथ है, फास्ट प्रिंटिंग है। अब प्रिंट अब दिखाते हैं आपको प्रिंट, कोई भी प्रिंट जो है कितना फास्ट प्रिंट आएगा। चलिए पहला ट्रे को हम हटा देते हैं, अब दूसरे ट्रे में प्रिंट करके दिखाते हैं। तो ये पहला ट्रे
आपको क्लोज कर देते हैं। अब मैं पेपर रखता हूँ सेकंड ट्रे में, पहले से कुछ पेपर है फिर भी मैं यहाँ पे कुछ पेपर इसको और रख देता हूँ। प्रिंटर जो है स्लिप मोड पे चला गया क्योंकि मैंने 5 सेकंड का स्लिप रखा था टाइमर, इसलिए मैं इसको दोबारा जो है ऑन करता हूँ। अब मैं यहाँ से प्रिंट देकर देखता हूँ आपको कि कितना फास्ट प्रिंट आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो HP का ये जो लेजर नया प्रिंटर है फ्रेंड, ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, आते ही मार्केट में धमाका कर दिया है। लोग जो है इसको, जिनको पता है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़े हुए हैं, उनको ये प्रिंटर जो है बहुत अच्छा बहुत पसंद आ रहा है। उन्हीं की डिमांड पर हम ये प्रिंटर का आज जो है डेमो कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए, ताकि जो है प्रिंटर को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास जो है ये रीच हो सके। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रिंट करके कि इतना फास्ट प्रिंट आएगा। तो चलिए प्रिंट करके दिखाते हैं, चलिए देखते हैं प्रिंट करके कि कितना फास्ट प्रिंट आता है। मैं क्या करूँ इस पर कुछ भी नाम लिख देता हूँ, चलिए अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ इसमें, और देखते हैं कि कितना फास्ट आएगा। प्रिंट करके देखते हैं इसे, ठीक है। तो हम इसको हम प्रिंट करते हैं, ये मैंने कंट्रोल पी किया, यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट आ गया करेंट पेज। कितने कॉपी करने हैं मुझे, 2-3 कॉपी करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखते हैं कितना फास्ट प्रिंट आउट आएगा। देखो 6.3 सेकंड जो इसका कंपनी बोलती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फास्ट जो है ये प्रिंट आउट आ गया। तो महज 6 सेकंड में आपको जो है ये 3 पेज जो है आपको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। और इतना शानदार प्रिंटिंग आया है, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग है, और कितना बोल्ड एंड क्रिस्प प्रिंटिंग आया है इसका। तो HP जो है वो रिवोल्यूशनरी प्रिंटर लॉन्च किए हैं MFP 4104DW डुप्लेक्स प्लस वाईफाई के साथ। तो ये प्रिंटर इतना पॉपुलर होने वाला है कि आप अभी से इमेजिन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि इस प्रिंटर में लॉन्च हुआ है कि अगर आप बजाज फाइनेंस अगर यूज करना चाहते हैं तो 0% इंटरेस्ट लगेगा इसमें, और इंटरेस्ट फ्री EMI में जो है ये प्रिंटर आपको अपने घर ले जा सकते हैं थ्रू बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के लिए प्रिंटर एड हो गया है, आप आसानी से इसको अपने शॉप के लिए आप ले जा सकते हैं। प्राइस की बात करूं, ये प्रिंटर जो है अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तो अनबिलीवेबल प्राइस जो है ये 34,000 में आपको ये प्रिंटर जो है मिल जाएगा। सारे एक्सक्लूसिव HP वर्ल्ड पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से प्रिंटर को देखना चाहते हैं तो नियरेस्ट HP वर्ल्ड विजिट कीजिए, टच एंड फील कीजिए, डेमो लीजिए इसका। मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको जो है प्रिंटर जो है डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक बार और ये बता देता हूँ कि ये प्रिंटर जो है आपको 40 PPM की स्पीड है, 50 sheets का जो ऑटोमेटिक ADF है, और वाईफाई प्रिंटर है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग है, डुप्लेक्स ऑटो स्कैन है, बोथ साइड स्कैन कर सकते हैं, बोथ साइड प्रिंटिंग कर सकते हैं, लीगल पेपर आप जो है इसमें प्रिंट कर सकते हो प्रिंट स्कैन कॉपी के साथ। ये प्रिंटर डुप्लेक्स के साथ लॉन्च हुआ है, टाइम सेवर प्रिंटर है, मनी सेवर प्रिंटर है, आपको जो है स्मार्ट वर्क जो है इसमें आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। कोई नया मॉडल आप देखना चाहते हैं जिसका डेमो लेना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम आपको, हमारी कमिटमेंट है कि हम ऐसे ही आपको नया प्रिंटर या नया प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। एक बात चीज़ बताना भूल गया था फ्रेंड्स कि ये जो प्रिंटर है बिजनेस प्रिंटर है, फुल्ली बिजनेस प्रिंटर है, प्रोफेशनल प्रिंटर है। अगर आपका प्रोफेशनल वर्क है, आपको कोई शॉप है, आप बिजनेस करते हैं जिसके लिए आप अच्छा प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जो मल्टी फंक्शन हो और कॉस्ट सेविंग हो और जिसमें जो है आपका काम जो है आसानी से हो जाए, तो डेफिनेटली आप ये प्रिंटर आप परचेस कर सकते हैं। मॉडल नंबर याद रखिएगा, लेजर Z Pro MFP 4104DW। तो फ्रेंड्स आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।